लालगंज के शादुल्लापुर गांव में अचानक आग लगने से करीब आधा दर्जन घर और दलान जलकर राख हो गए। इस घटना में लाखों रुपए की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शादुल्लापुर गांव के वार्ड नंबर 3 में मंगलवार को अचानक एक घर में आग लगी। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते राजेंद्र पैटी, जंगली पैटी, संतोष भगत, अजय भगत, अशोक भगत, वीरेंद्र भगत, रविंद्र महतो, शाहिंदर महतो समेत कई लोगों के घर को अपनी चपेट में ले ली। घर से कुछ भी सामान निकालने का मौका गृह स्वामी को नहीं मिल सका, जिससे घर में रखा नगद, जमीन का कागज, बर्तन, पंखा, साइकिल, अनाज, 3 बकरी, चापाकल समेत कई सामान जलकर राख हो गए। गृह स्वामी ने बताया कि हम लोग मजदूरी करने गए थे, वापस आए तो देखे कि घर में आग लगी हुई है। शोर मचाया तो आसपास लोग जुट गए। स्थानीय लोगों ने पंपिंग सेट, बालू, मिट्टी से जैसे तैसे आग पर काबू पाने की कोशिश की। इसी बीच दमकल भी आ गई, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। अंचला अधिकारी स्मृति सहानी ने बताया कि आग लगने की सूचना मिली है, राजस्व कर्मचारी को भेजकर जांच कराया जा रहा है। जांच के बाद पता चल सकेगा कि कितना घर जला और कितने का नुकसान हुआ है। कहाँ आग लगा है, कैसे आग लगा है? ये झोपड़ी का मड़ैया है। कहाँ पे लगा है, किस गांव में लगा है? शाहदुल्लापुर में लगा हुआ है। अच्छा, हम लोग 5 दिन है इसमें रहते हैं। अपना पलानी अपना अपना गार के अलग अलग है, सब माता पिता अलग है। हम लोग कमाते खाते हैं, सब चीज इसमें जला गया। देखे नहीं, काम करके आए बस, सब इसमें। क्या क्या जला है? चावल जला, आटा जला, गेहूँ जला, पैसा जला, और एक दो थान गहना कमाईनी करके किन के रखे हुए थे उस भी जला गया। कुछ नहीं है, जमीन का कागज था वो भी जला गया, चढ़ने का साइकिल था वो भी जल गया, पंखा था वो भी जल गया। हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा, पहनने के लिए ही तक एक वस्त्र नहीं है। तो जब आग लगा था तो कैसे मालूम चला था आपको? हम लोग वहाँ काम करने गए हुए थे, उधर से आए तब तक देख रहे हैं कि पूरा जल रहा है। जब तक बचाए बचाए तब तक पूरा सुहा हो। दमकल के गाड़ी भी आई थी? हाँ, दो को गाड़ी आया हुआ था। जब दमकल के गाड़ी आई है तब तक आग पर काबू आप लोग पा लिए थे कि दमकल के गाड़ी आने के बाद? काबू पा लिए थे, उसको बाद में आया तो दमकल सबके शांत किया है। अभी ब्लॉक से कोई आया था क्या? हाँ, आए हुए थे। अच्छा, क्या बोले? बोले हैं कि सभी को जो मिलना चाहिए उचित है वो मिलेगा। हम लोग यही चाह रहे हैं कि हम लोग को खाने के लिए कुछ चाहिए, रहने के लिए, और घर झोपड़ी जो चाहिए वो चाहिए। अब तो कुछ नहीं बचा हुआ है, अब कैसे कमाए, कैसे खाए, कैसे बाल बुतरू के पोसे। तो आग लगी है, इसमें कितने घर को नुकसान हुआ है, क्या क्या जला है? दो भाई के हमको घर जला। अच्छा, इसके अलावा आप दो भाई के अलावा? और माने कि जैसे हम जाति कहार हैं, और जैसे पन्हेरी है, पन्हेरी के अभी माने कि जैसे बाल बुतरू और पन्हेरी जैसे ससुर उसके यहाँ से सबको यहीं रहता है, उसका घर द्वार है, ठीक है, सबको, उस सबको भी जल गया, मेरा भी जल गया, बर्तन बासन खाना पीना का सारा चीज जल गया। आप रूपी लग गया, अभी गेहूँ के कटिया चल रहा है, गेहूँ के कटिया चल रहा है, गेहूँ कटनी में थे। लगा है बाबा? वो अचानक आग लगल, उन्ने से आग लगल, हमारो धो ले लग, सब हम तो आई है इनका भीड़ से, मुखिया जी के भीड़ से तुरंत ताले तो देखा जाती है, ये आग लागल रहे। कितना घर का नुकसान हुआ है? हमारा तो 5 गोटा के नुकसान हो लग। एक अलावा भी किसी का हुआ है? उनकर जर लाइन है 2 गोटा के। क्या क्या नुकसान हुआ है इसमें? उसमें बकरी उकरी उनकर जर लाइन, हमारे इन्हें करिए देखते है सब। तो आप में क्या क्या जला है? हमारा तो अन्न पानी सब जर गया, खाना पीना का व्यवस्था खत्म है। अभी देख रहे हैं कि पैसा का टुकड़ा मार सब जर गया। कितना पैसा था संभव? कागज उगज सब था, जैसे उसी में देख रहे हैं सब, वो फोटो लिए हैं आप ही ना सामने में। पैसा तो 50,000 हमारे अभी लेके आइए, सेहू जर गया, पहले के रोल का सेहू जर गया। संपत्ति तो समुचा हमारे यही में रोल का 5 आदमी के। ये राजेंद्र पैती के घर में आग लग गया, हम लोग को क्या बैग मालूम हुआ है, तो वहाँ से आकर के हम तो अलग निकले हुए थे, लेकिन पता चला तो हम लगातार वहाँ से तेजी से गाड़ी से आकर के यहाँ देखने आए हैं। तब तक तो दमकल उमकल आकर के आग को काबू पा लिया है। लेकिन क्या क्या नुकसान हुआ है, कितने घरों का आग लगा है? इनके राजेंद्र पैती के 4 लड़का को ही घर, 5 को पलानी था, इसमें 5 पलानी जर गया, और 5 का अलग अलग सब सामान था, सब अपने अपने कमा खटा करके रखता था यहाँ, और सबका राशन से लेकर के बर्तन बासन गहना पैसा वगैरह सब चीज जल गया। इसके अलावा भी किसी का जला है? इसके अलावा इस जगह फुदेना महतो का 2 लड़का का भी जल गया है, जो उसका भी सर सामान पूरा मतलब समरसेबुल तमरसेबुल सब जल गया, बर्तन बासन भी उसका भी जल गया है।
जब आग लगी थी तो इसके फायर ब्रिगेड आई है क्या? हाँ, फायर ब्रिगेड आई है, लेकिन हम थे नहीं उस वक्त। फायर ब्रिगेड आकर के आग पर काबू पाया। अभी ब्लॉक से कोई कर्मचारी या कोई सीओ का? हाँ, कर्मचारी आए हुए थे यहाँ पर, सब यहाँ देख करके हो गए। अभी पीड़ित को क्या मदद मिला है? पीड़ित को अभी तक तो कुछ मदद मिला नहीं है। पन्नी मिला है? पन्नी मिला है? हाँ, पन्नी मिला है। चार आदमी के? पांच आदमी को? चार आदमी के? चार आदमी को पीड़ित को अभी पन्नी मिला है। लोग के चार आदमी? कितना का नुकसान हुआ होगा? पैसा ही तो 50-60 हज़ार के करीब में जल गया है इनका। राजेंद्र पैती का दो गो पुतो, तीन गो पुतो का पैसा अलग अलग पेटी में था। वो तीनों पेटी का पैसा जल गया। कैसे कैसे लाठी डंडा से पैसा करके पेटी को घसकाया गया है, निकाला गया है। जब जाके उसमें आधा आधा पैसा सब बचा हुआ, आधा जल गया है। करीब करीब नुकसान इन लोग का 2-3 लाख रुपया का नुकसान हो गया होगा इसमें। 50,000 तो रुपया जल गया है कैसे।